अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं वाटर पंप पे एफबी एरिया ब्लॉक 14 में हाजी इकबाल दिल्ली वाले बारबेक्यू एंड फास्ट फूड पे। आइए हम देखते हैं कि इनके बारबेक्यू में कौन कौन से आइटम हैं और इनसे ख़ुद पूछते हैं कि इनके कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से जो है आइटम ये अभी ऑर्डर पे इनके लगे हुए हैं। आइए। ये देखें जी, बारबेक्यू है, ये बारबेक्यू बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा, ये क्या लगा हुआ है यार? ये सारी मलाई बोटी लगी हुई है। उसामा बोल रहे हैं। और ये देखें इस पर कैसी मलाई की तरह जो है ये मलाई बोटी बना रहे हैं उसामा। ये देखें, ये उसामा ने जो है मलाई बोटी का ऑर्डर लगाया हुआ है। क्या खुशबूएं आ रही हैं मलाई बोटी की, आप देखें। और बहुत ही उम्दा किस्म का मसाला लगा हुआ लग रहा है। बोटी भी बड़ी जूसी टाइप की बनाई हुई है इन्होंने, यानी कि ऐसी जूसी टाइप की कि ये बच्चे भी जो है खा सकते हैं। ये देखें, तकरीबन तैयार हो गई हैं। और सामने रेडी कर दी हैं मलाई बोटी। ये देखें जी, ये मलाई रोटी अभी रेडी नहीं हुई है और उसामा ने जो है ये रेडी कर दी। ये पूरा हो गया, कबाब कर लिया। ये कौन से कबाब हैं यार उसामा? ये गोला कबाब हैं जो उसामा भाई अभी ऑर्डर लगाएंगे। ये मलाई बोटी है। ये कौन सा है? चिकन टिक्का, चिकन बोटी। ये चिकन बोटी है और ये चिकन टिक्का है। ये बीफ बोटी, बीफ बिहारी बोटी है। अच्छा, ये बिहारी बोटी है। ये देखें जी, अब ये बनाएंगे गोला कबाब लगा रहे हैं ये उसामा। ये देखें गोला कबाब लगा रहे हैं। ओए हो, क्या खुशबूएं आ रही हैं गोले कबाब की, अभी से ही आने शुरू हो गई हैं जी बारबेक्यू की। बहुत ही आला किस्म के गोला कबाब बनाए हुए हैं। सही मानों में जो गोला कबाब है मैंने तो यही देखे हैं भाई, गोल गोल फुल गोला कबाब। ये देखें जी, ओए होए, क्या खुशबूएं आ रही हैं हाजी इकबाल दिल्ली वाले बारबेक्यू फास्ट फूड सेंटर वालों की। तो भूख लगने लगी भाई, इतनी अच्छी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है गोले कबाब की। हाँ भाई, क्या नाम बताया था आपने? फराज। आप क्या पराठे तलते हो? नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ। हैं, ऑलराउंडर हो? नहीं करो यार, क्या क्या बना लेते हो? स्पेशलिस्ट किस में हो?
उस्ताद के पीछे। अच्छा ये उस्ताद है उसामा, फिर तो आप भी कमाल ही के हो गए यार, शागिर्द उस्ताद ऐसे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं आप। कब से काम कर रहे हैं यार अपना उसामा? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से। और हाजी साहब के पास ही हैं इधर ही? माशाल्लाह से। ये क्या है चीज़ें, मसाला है इसका? चिकन टिक्के का ये मसाला है जो ये लगा के जो है बारबेक्यू बनाया जाता है। आपको हम इसकी लोकेशन भी बता देते हैं, ये वाटर पंप के ब्रिज के साथ, जैसे ही आप जो है सोहराबगढ़ से आएंगे और ब्रिज से उतरेंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड पे जो है हाजी इकबाल दिल्ली वाले बारबेक्यू की शॉप है अवेलेबल। आप यहाँ पर आइए और अहमद मेडिकल के जस्ट अपोजिट है ये हाजी इकबाल की शॉप, आप आएँ और आप इधर आके जो है एक दफ़ा टेस्ट करें, बहुत ही जायकेदार दिल्ली वालों का मज़ा है यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ जो है शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है आपका? वकास। वकास भाई पराठे बना रहे हैं? मतलब पराठे वैसे बड़े बड़े पराठे हैं ना, संभाल लेते इन पराठों को? घर में तो संभालते नहीं, छोटे छोटे से पराठे भी हम लोगों से। ये देखें आप, ये देखें बकास भाई पराठे देखें कैसे बना रहे हैं। ये मैदे में बना देना आप, मैदा होता है ना ये, इसको क्या खमीरा करते हैं या ऐसी फ्रेश होता है ये? फ्रेश होता है, ये फ्रेश पे ही आप ना पराठे बना लेते हैं, मसला तो नहीं होता। ये सब घी में बनाए जाते हैं, तेल वगैरह अंडे वगैरह अगर आप डाल लेंगे उससे ये हस्ता हो जाता है। अच्छा ये अंडा डालते हैं आप इसमें? अच्छा अंडा और दूध भी डालता है? वाह भाई ये देखिए फ्राई हो रहे हैं, क्या कमाल के पराठे बना रहे हैं वकास भाई। मतलब एक दिन में कितने पराठे बना लेते हैं? वैसे बना तो मैं बहुत लेता हूँ, मतलब डेली के इधर के क्या हो? यहाँ पर तो तकरीबन 15 से 20 किलो मैदा, 15 से 20 किलो मैदे के आपके बन जाते हैं। सही, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? अच्छा मूव भाई, ऑर्डर हो गया कम्प्लीट? ये देखें इनकी शॉप है हाजी इकबाल दिल्ली वाले बारबेक्यू। ये वकास भाई अब कटिंग करेंगे इसकी। वकास भाई पराठों के अलावा आप क्या क्या बना लेते हैं? इसके अलावा चपाती बना लेता हूँ जी। चपाती बना लेते हैं और कढ़ाई? अच्छा कढ़ाई भी आप बनाते हैं, मैं यही पूछना चाह रहा था। यहाँ पर नहीं बनाता हूँ वैसे। अच्छा, बना लेते। अच्छा बना लेते हैं आप, यानी कि सही है। मतलब पराठे तो आपने बहुत ही कमाल किस्म के बनाए हैं यार, माशाल्लाह से बहुत ही आला। ये मलाई बोटी है इनकी तैयार हो गई है, हाँ वकास, वकास भाई ने देखे ये पराठों से जो है शिफ्टिंग कर ली है चपाती की तरफ। ये अपने सारे काम दिखाना चाहते हैं, जितने भी गुर हैं इनके ये सब जो है वकास भाई बताना चाहते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऑलराउंडर लगने के वैसे तो मुझे ये इन फ्यूचर जो है ये जो है
कबाब कढ़ाई वगैरह ये सब बनाते हुए मुझे नज़र आएंगे। क्यों? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वकास भाई आपने खुद सीखा है या किसी का, कोई उस्ताद है आपका? उस्ताद तो जाहिर सी बात है, आप अच्छा सीखेंगे बगैर उस्ताद के? नहीं, बगैर उस्ताद के तो कोई काम नहीं सीख सकता, तो उसमें खामियां रह जाती हैं जब तक उस्ताद ना हो किसी काम में। माशाल्लाह से भाई बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं ये वकास भाई हमारे। अभी मैंने पराठे देखे थे इनके बनाते हुए, कमाल किस्म के पराठे बनाते हैं भाई, बहुत आला। ये देखें वकास भाई कब आ जाते हैं आप, आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी क्या है? 5:30 बजे आ जाते हैं, आटा वाटा गूंद लेते हैं सारा आप अपना हैं, गुंजत है सारे चीज़ें तैयार हो रही थी पराठों की भी और इसकी भी, दोनों चपातियों की भी, ये आपका डिपार्ट है। वाह ज़बरदस्त भाई, ये हुई ना, ये वकास भाई का भी जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये देखें जी वकास भाई, अब हम वकास भाई के डिपार्ट से जो है इजाज़त चाहते हैं। ओके अल्लाह हाफिज़ वकास भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आप लोग लाइव भी करते हैं, जैसे लाइव भी होता आपका बिलाल? ये देखें जी गोला कबाब की जो है ऑर्डर जो है पैकिंग हो रही है इनकी, हाजी इकबाल की शॉप की। और ये देखें उसामा भाई ने रेडी कर दिए हैं गोला कबाब और अब ये पैकिंग कर रहे हैं। ये देखें फिनिश। ये देखें जी गोला कबाब, ये पैकिंग हो रही है आज इकबाल की शॉप पर। अस्सलाम वालेकुम सर, हाजी साहब, हाजी इकबाल नाम है आपका। हाजी साहब एक चीज़ पूछनी थी, ये आपका नाम है हाजी इकबाल दिल्ली वाले बारबेक्यू,
तो सर आपके ये दिल्ली से हैं? बिल्कुल दिल्ली से ताल्लुक है और जेन्युइन। अच्छा जेन्युइन यानी कि पक्के दिल्ली के हैं? दिल्ली के सुबह हुई ट्रांसपोर्ट थे। अच्छा दिल्ली के कांग्रेस की गवर्नमेंट में। अच्छा मैं इसीलिए पहला सवाल आपसे दिल्ली का किया है क्योंकि आपके दिल्ली लगा हुआ है। 7 पासपोर्ट है मेरे पास। अच्छा माशाल्लाह से। तो ये आपके जो ये रेसिपीज वगैरह हैं ये आपके किसी बैग से यानी कि दिल्ली से आए हैं या आपके अपने यानी रेसिपी वहाँ से? मैं वहाँ एक जगह है जामा मस्जिद। अच्छा कहाँ? दिल्ली में दिल्ली। तो वो मेरे मामू के दोस्तों को सारी पे। अच्छा अच्छा ये वहाँ से यानी कि जो है यहाँ पे भी लाया था। अच्छा हाँ नहीं वो एक आइटम ये ऐसा आइटम है कि ये पैकेज है पूरा। जी जी। तो ये आप कब से कर रही हैं यहाँ पे? इधर जैसे ज्यादा दिन नहीं हुए। ज्यादा दिन नहीं हुए? अच्छा ये 4 साल हो गए कामरान भाई? 4 साल हो गए और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बकरी ईदें हम गुजार चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह से। और हमारे आस पड़ोस में जो सेटअप है माशाल्लाह बड़े नामी गिरामी सेटअप है। हाँ 40 साल से। हाँ बहुत पुराने हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हम 3-4 साल में जायका दे रहे हैं। हाँ। और कस्टमर रिपीट है। सही बात। भी हमारे मुनासिब यही देखें जायका जो होता है ना क्वालिटी यही है कहना कारोबार की जो है ना वो होती है। आप हमारे यहाँ से अगर कढ़ाई लेंगे ना जी आपको गोश्त वजन में बिल्कुल पूरा मिलेगा। अच्छा आपके सामने पूरा लाइव बनाएंगे। अच्छा आप बहुत सी जगहों पे देखते हैं पहले से हाफ करके रखी होती है। हाँ हाफ करके रखी है। उसमें अमूमन वजन पूरा नहीं होता। सही कह रहे हैं। हमारा वेट मशीन सामने पड़ी जी जी उसी टाइम हम खोलते हैं। अच्छा साफ वही भी मुर्गी 1 किलो डालते हैं। सही है। तो आप लोगों के पास है ना कामरान भाई क्या क्या आइटम है? पूरी कौन कौन सी है आपके पास? बिहारी बोटी है। अच्छा मलाई बोटी है। अच्छा चिकन बोटी है। अच्छा चिकन रेशमी कबाब है। छोला कबाब, सीख कबाब, धागा कबाब। और कढ़ाई में? जी कढ़ाई में हमारे पास वाइट कढ़ाई भी है, ग्रीन कढ़ाई भी है, रेगुलर भी है। फास्ट फूड की पूरी वरायटी है। अच्छा सारी वरायटी आपके पास फास्ट फूड? हमारे अपोजिट देखें कराची का नामी गिरामी खान ब्रोस्ट है। हाँ खान ब्रोस्ट जस्ट अपोजिट खान ब्रोस्ट के हाजी इकबाल हैं। अपोजिट सिर्फ हमने फास्ट फूड रखा हुआ है। हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम बहुत जबरदस्त। सही कह रहे हैं फास्ट फूड में ये खान ब्रोस्ट वाले जो है मतलब नाम है इनका उसके सामने ही आपकी शॉप है। बाकी आप ये देख सकते हैं हमने बैनर लगाया हुआ है गोश्त आपका जायका हमारा। सही आप अपने गोश्त का भी जी कोई भी वैरायटी हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा घंटे पहले आपको सिर्फ गोश्त देना होगा आपको आपका गोश्त ही मिलेगा। अच्छा मतलब गोश्त दे दें आप बना के आप वो दे देंगे उसके क्या चार्जेस हैं पर केजी का? 600 रुपये केजी। 600 रुपये पर केजी बारबेक्यू के। सही है। कढ़ाई के 800 रुपये। 800 रुपये पर केजी। ठीक है। तो आपकी टाइमिंग क्या है कमरे? हमारी टाइमिंग दोपहर 4 बजे शॉप ओपन हो जाती है। अच्छा और रात 2 बजे तक की टाइमिंग? रात 2 बजे तक होती है। हमारे पास वसी सीटिंग एरिया भी मौजूद है। हाँ वसी सीट। सही माहौल। सही ठीक है। और पराठे वगैरह सब हैं? पूरी वैरायटी है। अच्छा पराठे और ये बीफ मटन सारी है ना कढ़ाइयाँ बनाते चिकन वगैरह? अच्छा चिकन है बीफ वगैरह मटन नहीं है? अच्छा वो बना देते हैं ऑर्डर पे आप उसी वक्त पे मतलब सिर्फ चिकन की जो है आपके पास अवेलेबल है। बहुत ही आला किस्म का आपने सेटअप किया हुआ है माशाल्लाह से। आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के सामने अगर आप करेंगे ना तो आप उसके कंपटीटर बन जाएंगे। जायका हमारा देखेंगे ना वो मुझे लग रहा है आपकी जिस तरीके की जो है बारबेक्यू बन रहा है और उसकी खुशबुएं आ रही है उसी से जो है मुझे लग रहा है अवेलेबल है। अच्छा हाँ हमारे फूड पांडा पे रिव्यूज देखेंगे कस्टमर के तो खुद आप। अच्छा इसी नाम से फूड पांडा हाजी इकबाल के नाम से। तो आप ये डिलीवरी वगैरह का है? डिलीवरी भी अवेलेबल है। अच्छा डिलीवरी भी अवेलेबल ओवरऑल कराची या सिर्फ करीब के एरिया में? अच्छा इधर जो है डिलीवरी के चार्जेस? अच्छा कुछ कार्ड वगैरह या नंबर वगैरह है आपका? जी नंबर है 0300-255-1373। ये व्हाट्सएप पे भी है आप मेन्यू मंगा सकते हैं। ठीक है। ये डिलीवरी भी करते हैं आप ऑर्डर दे सकते हैं? इनके कामरान भाई नाम है छोटे भाई भी होते हैं बिलाल इकबाल। ठीक है। वो भी मार्केट में। सही है। और का भी नंबर डिलीवरी पे? सही है। 2 बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है आपके? ये मेरे भाई हैं। अच्छा बड़े भाई हैं? छोटे भाई। अच्छा छोटे भाई हैं। आपका जो डिलीवरी नंबर है? हाँ वो डिलीवरी नंबर का बिलाल भाई 3132721213। अच्छा ठीक है शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा कमरे में इसकी लोकेशन और बता दीजिएगा आप। सही जैसे ही आप वाटर पम्प वाला पुल उतरेंगे जी पहले पड़ेगा हाजी महफूज शिमाल हाउस जी उसके बाद पड़ेगा आसिफ रबड़ी हाउस। ठीक है। उसके बिल्कुल बराबर में जी और हमारे बराबर में ये शेरवानी मोटर्स भी है। ठीक है बिल्कुल बराबर में। चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई आपने बहुत कोऑपरेट किया। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकतें दे और ज़्यादा तरक्की दे और इसको वसी करे आमीन। देखें जी इनका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ये है हाजी इकबाल दिल्ली वाले।
इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।